अरे कृष्णा, तो स्वागत है आपका सेकंड लेक्चर में। इसमें हम दिखाएंगे कि इसमें एक कुंडली में ले रहा हूं रेफरेंस के लिए, हम ऐसा बहुत सारा कुंडली लेंगे और सब में मैरिड लाइफ को प्रेडिक्ट करेंगे, एकदम डंके के चोट पे करेंगे। जो प्रेडिक्शन है एकदम सटीक करेंगे, आप समझ रहे हो ना, बिना डर भय के। और आपको ऐसा ही होना चाहिए, जब आपके पास क्लाइंट आता है तो बहुत उम्मीद के साथ आता है कि आप सही प्रेडिक्शन करेंगे। अगर उसके चार्ट में प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं, आपको साफ साफ बोलना चाहिए। अगर डाइवोर्स दिख रहा है तो ढंग से आपको बोलना चाहिए कि नहीं, इसमें डाइवोर्स है, रेमेडी है, रेमेडी आप दीजिए। उसका एटीट्यूड में अगर प्रॉब्लम है तो एटीट्यूड में प्रॉब्लम को बताइए। तो जो बताना है सटीक बताइए, जो आपको दिख रहा है सटीक बोलिए, और डंके की चोट पर प्रेडिक्शन कीजिए। पहले पास्ट का प्रेडिक्शन कीजिए, उसमें देखिए एक्यूरेसी कितनी आ रही है, फिर फ्यूचर का प्रेडिक्शन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का। अब देखिए, सबसे पहले मैरिड लाइफ को देखने के लिए हम सेवेंथ हाउस को देखते हैं। तो सेवेंथ हाउस में आप देखोगे, सेवेंथ हाउस में आप अगर देखोगे तो सेवेंथ हाउस में मरकरी है, यानी कि बुध है। सेवेंथ हाउस में बुध कभी भी रहता है और A5 का पड़ा है। A5 यानी कि फिफ्थ हाउस का पद गया है इसमें। फिफ्थ हाउस किसका होता है? रिलेशनशिप का होता है। फिफ्थ हाउस किसका होता है? लव अफेयर का होता है। वो सेवेंथ हाउस में गया और सेवेंथ हाउस में मरकरी बुध गया। बुध एक नन्हा प्लैनेट है, उसको पता नहीं है कि मैरिड लाइफ है क्या, आप समझ रहे हो। तो सबसे पहला इसका मिसकंसेप्शन होगा कि ये मैरिड लाइफ को खेल समझेगी। क्यों खेल समझेगी? क्योंकि बुध को समझ में नहीं आता है रिलेशनशिप्स। दूसरा है कि बुध जो है वो बच्चा है, तो इसका यहाँ पे जो रिलेशनशिप बुध देगा वो बच्चे में दे देगा, यानी कि एजुकेशन, जब ये पढ़ाई कर रही होगी उसी टाइम ये रिलेशनशिप में आ जाएगी। बुध किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करता है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेवेंथ हाउस में इसके यानी कि एक से ज्यादा पार्टनर होंगे, यानी कि इसका रिलेशनशिप जो होगा वो 1 2 3 चलेगा, तीन रिलेशनशिप होंगे इस व्यक्ति के। दूसरा है कि फिफ्थ हाउस का पढ़ा गया है और बुध रिप्रेजेंट करता है स्कूल डेज को, तो स्कूल कॉलेज इन सब में इसका क्या रहेगा? रिलेशनशिप रहेगा। अब अच्छा रहेगा खराब रहेगा वो हम देखेंगे कि मैरिड लाइफ के बाद क्या चीजें होंगी, लेकिन पहला चीज क्लियर हो गया कि ये व्यक्ति तो रिलेशनशिप में रहेगा। दूसरा है कि ये व्यक्ति कैसा रिलेशनशिप करेगा, मतलब कि फिजिकल होगा या फिर नहीं होगा, फिर ये सब जो चीजें आती है ये हम थोड़ा सा इसमें कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। दूसरा चीज है कि सास ससुर कैसे होंगे, या फिर मैरिड लाइफ के बाद जो ससुराल होगा वो कैसा होगा। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि यहाँ पे सन मून आपको दिख रहा है सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस में टॉरस की राशि में कभी भी अगर हेवी प्लैनेट रहते हैं तो ये दिखाता है कि जो ससुराल पक्ष होगा वो अच्छा होगा। ससुराल पक्ष में जो लोग होंगे वो उनके अंदर ईगो काफी अच्छा होगा, वो लोग अगर बोलेंगे तो बहुत तजीब, मतलब कि अच्छे से बोलेंगे। एक बार अगर उसमें प्रॉब्लम्स आ गए, क्योंकि ईसन ईगो का कारक है और टॉरस जो है वो बैल को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद बातचीत बंद हो जाएगा। तो एक चीज यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा कि यहाँ पे इंसल्ट नहीं होना चाहिए, अगर इंसल्ट हो गया तो दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये ससुराल पक्ष है इसका। और यहाँ पे इसको सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इसका पेंडिंग कर्म है। एट्थ हाउस बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, तो शादी के बाद इस व्यक्ति का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आएगा। थर्ड हाउस जो आप देखेंगे, तो ये इसका, मैंने जैसे कि बताया था कि इसका छोटा भाई का ये घर, मतलब कि इसके जो हस्बैंड का छोटा भाई है वो है। हाँ, घूमने फिरने का काफी अच्छा मौका मिलेगा इसको, और शादी के बाद ये शॉर्ट ट्रिप पे रेगुलरली जाएगी। रेगुलरली संडे को पार्टी होगा, संडे को घूमने फिरने ये जाएगी, ठीक है ना। अब मदर इन लॉ को आप देखोगे तो वो मैंने टेंथ हाउस से बताया था कि टेंथ हाउस से मदर इन लॉ को देखते हैं, वहां पे गुलिका है और इसका स्वामी जो है वो एट्थ हाउस में चला गया है। इसीलिए मैंने प्रेडिक्शन किया कि सासू माँ जो होगी उसको प्रॉब्लम होगा, उसको हेल्थ का इशू होगा। अब एक जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि शादी के बाद भाग्योदय होगा या शादी के बाद क्या होगा इसका, तो उसको आंसर करने के लिए देखो मैं दिखाता हूं आपको कैसे उसको आंसर करते हैं कि शादी के बाद इसका क्या होगा। सास ससुर को अभी प्रेडिक्ट हमने थोड़ा बहुत किया, अभी और डेप्थ में जाएंगे। देखो इसका स्वामी सेवेंथ हाउस का कौन है? मंगल। मंगल किस में गया? सिक्स्थ हाउस में गया। सेवेंथ से देखोगे तो सिक्स्थ गया, ये सेवेंथ हाउस है। सेवेंथ से गिनना स्टार्ट करो तो 1 2 3 4 5 6, तो अपने से छठा चला गया और लॉस के साइन में गया। शादी के बाद इस व्यक्ति को बहुत बड़ा लॉस होगा, लड़ाई झगड़ा भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्गों का साइन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का है। वर्गों में ना तो निगलते बनता है ना बोलते बनता है, तो इस व्यक्ति के साथ यही होने वाला है। ये जो लड़की है इसका जब विवाह होगा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इसको प्रॉब्लम होगा अपने ससुराल पक्ष में, ना निगलते बनेगा ना बोलते बनेगा, और कॉन्फ्लिक्ट एक नंबर होगा क्योंकि ये
कॉन्फ्लिक्ट के साइन में गया, 12th हाउस में गया है। अब ये झिकझिक इसीलिए बढ़ गया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइन से आप देखोगे, अपोजिट हाउस से देखोगे तो सैटर्न केतु इसको देख रहे हैं। केतु मार्स में भी नहीं बनता है, सैटर्न मार्स में भी नहीं बनता है, तो ये अगेन दिखा दिया कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो आपसे अगर ये व्यक्ति पूछे कि क्या मैरिज के बाद डाइवोर्स होने के चांसेस हैं या फिर नहीं है, तो आपको प्रेडिक्ट करना चाहिए कि चांसेस हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और मरकरी, मैंने बताया कि मरकरी को रिलेशनशिप समझ में नहीं आती, उसको खेल लगता है, इसीलिए इस व्यक्ति का जो मैरिड लाइफ हो गया वो चैलेंजिंग हो गया। क्यों चैलेंजिंग हो गया? क्योंकि अब इसका जो मैरिड लाइफ का जो पार्टनर है वो वर्गो के साइन में चला गया, राहु मंगल के साथ चला गया, तो कॉन्फ्लिक्ट तो है। अब दूसरा चीज आप देखोगे कि सिर्फ नेगेटिव नहीं देखना है, पॉजिटिव भी देखना है कि क्या शादी के बाद प्रमोशन या फिर इसके लाइफ में कोई हैप्पीनेस आएगा या फिर नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है हैप्पीनेस यहाँ पे मरकरी दे रहा, वीनस देगा इसको, वीनस जो है यहाँ पे, ये वीनस इसको यहाँ पे हैप्पीनेस देगा, लेकिन इनिशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी होगा। अब दूसरा है कि सेम कास्ट में मैरिज होगा या फिर नहीं होगा, तो नहीं होगा मैरिज क्योंकि मंगल किसके साथ चला गया है, राहु के साथ चला गया है 12th हाउस में। जब 7th हाउस का स्वामी मैलेफिक्स के साथ चला जाता है 12th हाउस में, यहाँ पे चला जाता है राहु के साथ, तो राहु रिप्रेजेंट करता है कि अपोजिट कास्ट में या अपोजिट रिलीजन में व्यक्ति का विवाह होता है। तो व्यक्ति का जो पसंद आएगा व्यक्ति, वो अपने कास्ट में तो नहीं आएगा जो कि कॉमन है आज के समय में, लेकिन उसको होने के बाद इसको प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये मेजर हमने एक चीज प्रेडिक्ट की, आप समझ रहे हो ना, एक मेजर चीज प्रेडिक्ट की कि शादी कैसा होगा, विवाह कैसा होगा, रिसोर्सफुल होगा कि नहीं होगा, लड़का क्या करेगा, ये सब हमने नहीं किया। हमने देखा कि शादी कैसा है इस व्यक्ति का, अब इसको रेमेडी देना पड़ेगा। तो रेमेडी किस चीज का करना चाहिए, तो रेमेडी मैं आपको बताता हूँ कि रेमेडी कैसे करना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ रेमेडी कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हमने मोटा मोटी देखा है, इसमें प्रॉब्लम्स और भी हैं, और डेप्थ में जाएंगे और डेप्थ में पता चलेगा, अभी राशि को यूज नहीं किया मैंने। तो सबसे अच्छा पोजिशन जो है ना यहाँ पे, वो है जुपिटर का और दूसरा है वीनस का। अब वीनस किस साइन में है, बच्ची के साइन में है, तो इसको क्या करना चाहिए, नौ कन्या जो आप दिखाते हो, नौ कन्या को श्रृंगार दान करना चाहिए। श्रृंगार क्यों किया, क्योंकि जेमिनाई के साइन में वीनस है, इससे इसका मैरिड लाइफ जो होगा वो अच्छा होगा। तो हर आप जो दुर्गा पूजा का समय होता है, नवरात्रा का समय होता है, जब भी वो पड़े तो नौ कन्या को इसको क्या करना चाहिए, श्रृंगार दान करना चाहिए। दूसरा, बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि गुरु 4th हाउस सुख भाव में बैठा हुआ है, इसको बहुत अच्छा प्रॉपर्टी, बहुत अच्छा मतलब कि ससुराल पक्ष, घर बहुत बड़ा, ये सारी चीजें दे रहा है। और अगर आप जुपिटर को देखोगे तो जुपिटर जो है, जो गुरु है, वो पंचम दृष्टि से इसको भी कंट्रोल कर रहा है, सप्तम दृष्टि से सासू सासू माँ को भी कंट्रोल कर रहा है, नवम दृष्टि से कॉन्फ्लिक्ट को भी कंट्रोल कर रहा है। तो आपको रेमेडी क्या देना है, कि इस व्यक्ति को मंत्र का जाप करना चाहिए और जहां पे भी ये रहे, जहां पे भी प्रॉपर्टी खरीदे, वहां पे मंदिर होना चाहिए, रेगुलरली मंदिर इनको विजिट करना चाहिए। जब मंदिर रेगुलरली विजिट करेंगी तो होगा क्या, कि इसका जो राहु और मंगल जो है वो शांत हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट जो दिख रही थी वो कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा। दूसरा, आप देखोगे तो जुपिटर जो है वो सैटर्न और केतु जो है वो भी पाइसेस की राशि में, यानी कि मीन राशि में, गुरु की ही राशि में, तो इसका मतलब है कि गुरु सब चीज को कंट्रोल कर रहा है और गुरु 10 नंबर की साइन में है। तो इस व्यक्ति को इतना प्रॉब्लम इसीलिए आ रहा है क्योंकि इस व्यक्ति ने धर्म से रिलेटेड जो कार्य हो रहा था उसमें अवरोध पैदा किया है, मंदिर बनने नहीं दिया है पास्ट लाइफ में, इसीलिए मंदिर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इनको रेगुलरली साधु संत का सेवा करना चाहिए, अपने टीचर्स का, जो भी स्कूल के टीचर्स रहे उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए, और रेगुलरली उनको गिफ्ट भेजना चाहिए। तो मंदिर में साधु को जब भी रेगुलरली ये दान करते रहेंगी तो इनका जुपिटर जो है वो मैरिड लाइफ को और चार्ट को पूरा बैलेंस कर लेगा। तो ये रेमेडी देना है आपको, आप समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे हमने कुछ कुछ चीजें देखी। अब पार्टनर का नेचर कैसा होगा, पार्टनर बात कैसे करेगा, वो सारा आपको राशि से प्रेडिक्शन करना है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर आपको अपने चार्ट में देखना है तो आप इसी तरह से देखिए, अगर डाउट्स हो रहे हैं तो आप हमें कंसल्ट भी कर सकते हैं, हम ऑनलाइन प्रेडिक्शंस, ऑनलाइन कंसल्टेशंस देते हैं सैटरडे और संडे को। तो आप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, नंबर है
7975218096। इस नंबर पे कांटेक्ट अगर आप कीजिएगा तो मैं आपका चार्ट देखूंगा और आपको रेमेडी भी बताऊंगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।